स्वच्छता कार्य के तहत निगम प्रशासन शहर की साफ सफाई व्यवस्था में जुटा हुआ है। सभी जोन कार्यालयों द्वारा टीम बनाकर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र में कचरे का सफाया करने लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शहर के सड़कों के किनारे बिखरे हुए झिल्ली पन्नी के कचरे का, क्योंकि बिखरे हुए प्लास्टिक का कचरा हवा में उड़ने से गंदगी फैलाता है। झिल्ली पन्नी का कचरा नालियों में जाने से पानी निकासी में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे नाली सफाई करने में काफी दिक्कत होती है। स्वच्छता पर्यवेक्षक व जोन के स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन दोनों पालियों की सफाई कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह कचरों के उठाव होने के साथ ही नालियों की सफाई की जा रही है। नलको बोरिंग कुआं के आसपास सफाई पश्चात चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। निगम के स्वच्छता कर्मी कचरे का उठाव करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। देखिए, उद्देश्य तो ये है कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है, जिसके लिए माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय अधिकारियों को निर्देश दिए थे और स्वच्छता विभाग के आला अधिकारियों को बैठक लेकर जो अभी अपना मलेरिया है, पीलिया है, उल्टी दस्त का प्रकोप है, डायरिया है और डेंगू उन्मूलन है, इसको लेकर जो है विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत में जो है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग प्राप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही जो नालियों की सघन सफाई की जा रही है, टेमीफास का जो छिड़काव करना है वो किया जा रहा है। एक टीम बनाई गई है जो मलेरिया की रोकथाम के लिए ही काम कर रही है। इस प्रकार से जो है सफाई गतिविधियां, जहां पे बल्क जनरेटर जनरेट होते थे, जहां पे कचरा एक ढेर लगा होता था, वैसे प्लेसेस को भी जो है वहां से कचरों का सफाया किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई के तहत हमारी कंपनी के द्वारा जो अभी साफ सफाई का जो काम चल रहा है, उस काम से आप संतुष्ट हैं भैया? अभी तो कुछ दिनों से काम बढ़िया चल रहा है। अभी साफ सफाई का काम कैसा चल रहा है? अभी तो जो 15-20 दिनों से है ना, काम साफ सफाई का अच्छा चल रहा है। जो नई कंपनी आई है ना, काम बढ़िया कर रही है। क्या नाम है कंपनी का अपना? अपनी कंपनी का नाम है भैया अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। इस बाजार में जो साफ सफाई की व्यवस्था है, वो 10-15 दिन से बहुत ही बेहतर और अच्छा लग रहा है। वो साफ सफाई रहता है, पहले कुछ कुछ कचरे होते थे, अब बिल्कुल नहीं रहता है। साफ सफाई समय पर डोर टू डोर के लिए रोजाना आपके यहाँ रिक्शा वाला आता है? जी आता है। आप गीला सूखा कचरा अलग अलग करके देते हैं? डोर टू डोर रिक्शा आता है, बाकायदा घर में नहीं होने के बाद भी खटखटा के दरवाजा कचरा ले जाता है। डोर टू डोर बढ़िया सफाई अच्छी हो रही है अभी। तो आप इस बेहतर कार्य के लिए जिन लोगों का विशेष योगदान है, जिन्हें हमारे माननीय महापौर जी, माननीय विधायक महोदय जी, माननीय आयुक्त महोदय जी एवं हमारे जो स्वच्छता विभाग के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं जिन सभी महोदयों का अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस कार्य में सभी संलग्न कर्मचारी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ। भिलाई निगम के आयुक्त तो रोहित व्यास ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुरूप कार्य करते हुए सड़क नालियों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन सुबह वार्डो में निरीक्षण कर रहे हैं तथा सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।